इसके आगे की खबर भी छत्तीसगढ़ी है, क्योंकि राहुल गांधी के बंगले की आग छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है और राहुल गांधी के लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद जो बंगला खाली करने का नोटिस मिला है संसद की आवास समिति के अध्यक्ष के बाद, अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेताओं की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद भी बीजेपी के कई बड़े नेता और पूर्व मंत्रियों को बंगले आवंटित हैं, ज्यादातर उन्हीं बंगलों में रह रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में भी बंगला आवंटन की समीक्षा करेगी, नियम कायदे कानून निकालेगी। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा है कि राज्य सरकार भी छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्रियों को आवंटित बंगलों की समीक्षा करेगी। जब हमारे नेताओं ने बंगला खाली कराए जा रहे तो तब तमाम समीक्षा की जाएगी, ये भी बात हुई। अब इसके बाद चूंकि शैलजा ने कह दिया कि जब हमारे नेताओं से बंगला खाली कराया जा रहा है नियम कायदे कानून की बात कर समीक्षा के तहत, तो फिर हमारी सरकार भी समीक्षा करेगी, तो यह बयान शैलजा का था। इसके बाद बीजेपी के पूर्व मंत्री का बयान भी आया, वो भी सरकारी बंगले में रह रहे हैं। सुनिए दोनों की बातें कैसी है। क्या कैसे है, जो राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई में जिस प्रकार से हमने अंग्रेजों के साथ ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, राजनीतिक लड़ाई में भी हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। रही बात बंगलों की, मैंने कल भी कहा और मैं आज फिर दोहराया और फिर तीसरी बार मैं कह रही हूँ कि इसका रिव्यू लिया जाएगा और यहाँ पर हमारी सरकार उसको देखेगी कि क्या कैसे है। आज के दिन जो पहले जिन कारणों से दिया गया, क्या आज के दिन वो कारण अभी भी हैं, नहीं हैं, क्या हैं, तो रिव्यू तो वही लेंगे। सबसे पहले मैं शैलजा जी से ये पूछना चाहता हूँ कि वो चार बार सांसद रहे हैं, वो कानूनन जो कार्रवाई हुई है वो सही है या गलत है, उसको कांग्रेस की ओर से पहली बार तो बात तो स्पष्ट करें कि जो कार्रवाई हो रही वो गलत है सही है। न्यायालयीन कार्रवाई का जो एग्जीक्यूशन लोकसभा सचिवालय कर रहा है वो गलत है कि सही है, और पूर्व जो सांसद हैं उसके पास बंगला रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इसको पहले शैलजा जी को स्पष्ट करना चाहिए, एक, या कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, दो। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, बंगला किसी को यदि नियम विपरीत अलाट हुआ है, किसी को भी, किसी भी पार्टी से संबद्ध हो, तो क्या कांग्रेस पार्टी 4.5 साल तक सोती रही? सरकार को बंगला आवंटन के नियम जारी करने चाहिए कि कौन कौन इंटाइटल है बंगला के लिए छत्तीसगढ़ में, और उसमें मुख्यमंत्री जी के जो सलाहकार हैं उनको किस स्तर का बंगला मिलना चाहिए यह भी स्पष्ट उनको करना चाहिए, और उनके ओएसडी को किस स्तर का आवास मिलना चाहिए यह भी शैलजा जी को या कांग्रेस पार्टी को या प्रशासन को स्पष्ट करना। मतलब कुल मिलाकर यह है कि तू डाल में पात, यानी कि अब बिजली पानी सड़क से हटकर बात बंगलू तक आ गई है, और बीजेपी के नेता भी जानते हैं कि अगर राहुल गांधी का बंगला खाली हो गया है तो बंगला जनाब हमारा भी खाली होगा, इसलिए कहते हैं कि अपने सलाहकारों को तो देख लो जरा, उनको कौन से बंगले मिले, और आने वाले समय में देखते हैं कि वाकई उनके नियम कायदे कानून क्या हैं और नियम के हिसाब से बंगला अलॉट हुआ है या फिर नहीं, यानी कि इस पर भी बात बंगले पर होगी और बंगले के घमासान पर होगी। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।